ललितपुर में LUCC चिटफंड कंपनी के मामले में पुलिस ने 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया और 49 लाख रुपए की राशि के बैंक खाते फ्रीज कर दिए। साथ ही 51 करोड़ रुपए की संपत्तियों को सीज किया गया है। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के विरोध में शाहजहापुर में IMA ने 24 घंटे की सामूहिक हड़ताल का आह्वान किया। आज सुबह से 18 अगस्त की सुबह तक सभी डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। IMA ने केंद्रीय सुरक्षा कानून बनाने की मांग की है और बंगाल सरकार की आलोचना की है। भैया पश्चिम बंगाल की सरकार का देखा जाए तो बिल्कुल शून्य है, और शून्य क्यों, नकारात्मक है। आप सबके घर में स्त्रियां होंगी, माता होंगी, बहन होंगी, बेटियां होंगी, और मेरे तो इस वक्त बात करते समय रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जो उस लड़की के साथ किया गया, जिन बच्चों को उनके माँ बाप चांटा तक नहीं मारते हैं, जिन बेटियों को फूल की तरह पालते हैं, उसके संग इतनी विभत्सता हुई और ममता जी स्वयं स्त्री होने के बाद भी उसको न तो महसूस कर पा रही हैं, न उसके प्रति संवेदनशील हैं, बल्कि उल्टे साक्ष्य मिटाने वालों के साथ हैं, गुंडों के साथ हैं, और वो चाहती हैं कि किसी तरह से ये केस दब जाए। ललितपुर में मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और नारेबाजी करते हुए महिला डॉक्टर को सरकार से न्याय दिलाने की मांग की। बलरामपुर के MLK कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें पहुंचे BJP के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या और गोंडा के ऐतिहासिक महत्व पर प्रवादित टिप्पणी के कार्यक्रम में अटल जी के सहयोगी और भाजपा नेताओं ने भी भाषण दिए। हमारे देश के कुछ ऐसे नेता हैं, जिम्मेदार नेता हैं, जो इस मुद्दे पर मौन, ऐसा लगता है कि दुनिया में कहीं भी अत्याचार अगर हिंदुओं के साथ होता है तो केवल भाजपा का ठेका है, बाकी सब लोगों ने मौन रह कर लिए। स्वतंत्रता दिवस पर मेरठ में ककरखेड़ा में मुस्लिम समुदाय द्वारा निकाली गई तिरंगा रैली में फलस्तीन का झंडा फहराया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में रैली में इस्लाम जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामूली पूछताछ के बाद छोड़ दिया। कानपुर में मेट्रो फेज 3 के तहत अंडरग्राउंड में काम किया जा रहा है। अंडरग्राउंड काम नेरोना चौराहा हरवंश मोहाल से होते हुए घंटाघर को मेट्रो से जोड़ता है, पर मेट्रो की रफ्तार अब धीमी हो चुकी है क्योंकि हरवंश मोहाल के निवासी मेट्रो के निर्माण कार्य में बाधा बन गए हैं और हरवंश मोहाल क्षेत्र से लगभग 100 मकान इस मेट्रो निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मकानों में पहले दरारें आई, उसके बाद वो भरभराकर गिर पड़े। वहीं बेघर और आक्रोशित हुए इलाकाई लोगों ने पार्षद और विधायक के साथ मिलकर मेट्रो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेरे जितने लोग यहाँ कार्यकर्ता रहते हैं, ये मेरे पास गए, इन्होंने बताया कि यहाँ मकान गिर गया है, लेकिन मैं तो ये देखने आई थी कि मकान कैसे गिरा, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको स्थिति से पता चला कि अभी जनता कह रही है, ये लोग अगल बगल जो अभी 2 साल पहले मकान बना वह जर्जर बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जो गिर गया, इन्होंने सबसे बड़ी गलती की कि सामान नहीं निकालने दिया। आज एक छोटी सी लोटियां लेने जाओ तो 500-600 रुपए, एक गिलास लेने जाओ तो 100 रुपए, पूरी की पूरी गृहस्थी मलबे में दबी है। तो ये किसके द्वारा की गई है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। कानपुर में गुजैनी थाना क्षेत्र में 2 ई-रिक्शा चालकों ने एक युवक को लूटने के बाद उसके मर्डर का प्रयास किया। पुलिस ने CCTV और ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से आरोपी प्रियांशु सैनी और शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। गुजैनी पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें से एक व्यक्ति लहूलुहान अवस्था में हमारे चौकी पे गए हुए थे। उनके द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात ऑटो सवार चालकों के द्वारा और उनके साथ काफ़ी मारपीट की गई है। उसके सूचना पर थाने की पुलिस जो है तत्काल प्रभाव से मौके पर आई थी। घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया था और इन्हें तत्काल प्रभाव से इन्हें जो खासीराम ट्रोमा सेंटर वहाँ भर्ती कराया गया था। उसके बाद वहाँ से जब इन्हें रेफर कर दिया गया तो यहाँ हेलर्ट अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया था, और इनसे जब ये होश में आए तो इनसे जो मोबाइल नंबर प्राप्त किया गया और इनके परिजनों को सूचित किया गया। इनके परिजन जब आ गए थे तो इनकी पत्नी के द्वारा एक तहरीर दी गई थी। उस तहरीर के द्वारा थाना गुजैनी पे एक मुकदमा अपराध संख्या 119/24 धारा 109 BNS 2023 के तहत एक पुरस्कृत किया गया, जो कि अज्ञात के बीच पुरस्कृत किया गया था।
कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक डबल डेकर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 17 यात्री घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। यूपी डागिर एम्बुलेंस ने सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। सुबह तड़के तीव्रा कोतवाली क्षेत्र में हुए हादसे का मुख्य कारण ड्राइवर की नींद बताई जा रही है। महुआ के थाना खन्ना क्षेत्र में 3 सशस्त्र बदमाशों ने निर्माणाधीन पेट्रोल पंप से 6000 लीटर डीजल लूट लिया। बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बना लिया और 5 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य का डीजल चुराकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चौकीदार और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। महोबा नगरपालिका परिषद पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। एक दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर नगरपालिका के कामों की जांच की मांग की है। आरोप है कि 278 कर्मचारियों के टेंडर के बावजूद 300 फर्जी वेतन निकाले गए और बिना टेंडर के नाला सफाई के लिए भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता महिलाओं ने चेतावनी दी है कि जाँच नहीं होने पर वो अनशन पर बैठेंगी। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में हर महीने कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन पशुपालन और प्रकृति के अनूठे मिलन से जुड़े उत्तरकाशी के दयाल बुग्याल का बटर फेस्टिवल दुनिया के अनोखे और पौराणिक त्योहारों में अलग स्थान रखते हैं। यह त्यौहार दयाल बुग्याल में धूमधाम से मनाया गया। दयाल बुग्याल में पहुंचे स्थानीय लोग और देश दुनिया में जुटे पर्यटकों ने जमकर दूध मट्ठा और मट्ठे की होली खेली। साथ ही श्री कृष्ण और राधा का शानदार नृत्य भी बटर फेस्टिवल में आकर्षण का केंद्र रहा। देश और विश्व के अंदर ऐसी होली और जो साक्षात भगवान को रूप में जैसे राजा कृष्ण को मट्ठा दूध दही इस तरह की होली का ये हमें आयोजन किया जाता है। ये आयोजन हमारे जो यहाँ पर पशुपालक रहते हैं, तो जब गर्मी का सीजन आता उस समय हमारे पशुपालक अपनी छाने में आते थे तो वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान हमारे पशुपालकों को सुरक्षित रखना। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के विरोध में हरिद्वार के SMJN कॉलेज के छात्रों ने रैली निकाली। कॉलेज के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी ने पश्चिम बंगाल सरकार की निंदा की और मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देती है तो केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। दुर्भाग्य है कोलकाता में जो हमारी सरकार है और हमारी महिला मुख्यमंत्री है ममता सरकार, और ममता सरकार के कार्यकाल में एक डॉक्टर से बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आपने देखा होगा ममता सरकार में कलकत्ता में जब भी आप देखो हिंदू के साथ हमेशा अत्याचार हुआ है। जब भी हमारे हिंदू फेस्टिवल होते हैं उस समय भी जितने हिंदू हमारे वहाँ रहते हैं उनका शोषण होता है, उनका विरोध किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में जल संस्थान और जल निगम के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्वाल ने की। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय समस्याएं उठाएं और शिवालिक नगर में पेयजल क्षमता बढ़ाने की मांग की। पौड़ी जिले के नगर श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों की ओर से एक परिचर्चा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और विशिष्ट अतिथि श्रीकांत शैलजा सिंह शामिल हुए। परिचर्चा में अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और SC/ST वर्ग की छात्रवृत्ति पर नाराजगी जताई गई। आगामी 21 अगस्त को भारत बंद का समर्थन किया गणेश गोदियाल ने संविधान बचाओ की आवश्यकता पर बल दिया, जबकि सुरेश नयाल ने बाबा साहेब के मंत्र पर चलने की बात कही।